हाय गाइस, मैं आज कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, अपने क्लाइंट चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हो, फ्री में कैसे कर सकते हो उस चीज को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कल एक डिस्कशन चल रही थी मेरे अपने एक फ्रेंड के साथ, उसकी एक फार्मा कंपनी है, वो लोकली कुछ एरिया में खुद वर्किंग करके एक दो MR रख के काम करता है। तो कल उसी के साथ डिस्कशन चल रही थी, तो वो पूछने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले, अच्छी क्वांटिटी में मिले, और कैसे मैं YouTube का और दूसरे सोशल मीडिया का उपयोग कर सकता हूं ताकि मेरे को फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर वहां से मिल सके। तो जनरली जब बात कर रहे थे हम, तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के सामने आया। वो सब पे एप्लीकेबल होता है, वो मेरे पे भी एप्लीकेबल होता है, आप पे भी एप्लीकेबल होता है, और उन सब पर्सन पे एप्लीकेबल होता है जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड वो डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, क्लाइंट चाहते हैं। क्या है कि कल उससे डिस्कस करते करते एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया। मैं उसको कहने लगा कि अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, क्वेरी चाहिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली नहीं मिलते, पहले हमारे पास क्वेरी आती है, फिर हम उनको फॉलोअप करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कुछ क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स में कन्वर्ट होती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट होती है, फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट होती है। तो एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली ही हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं। तो बेसिकली जो ये सारी डिस्कशन थी वो क्वेरीज के लिए थी, हम ही यही मान के चलते हैं कि जो क्वेरीज आ रही है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट होगी। तो क्या होगा, जो मेन पॉइंट वहां पे निकल के सामने आया वो यही आया कि डिस्कशन करते करते तो मैंने उसको कहा कि अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, उसका एक आसान सा तरीका है, आपको जो नॉलेज है, जितनी नॉलेज है, आप वो लोगों को सिखाना शुरू करिए। एक्चुअली वो पहले MR थे किसी कंपनी में, फिर उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी और अपने प्रोडक्ट अब वो सेल आउट करते हैं, अपनी कंपनी की मार्केटिंग करते हैं। जो आपको नॉलेज है कि कैसे आप डॉक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, आप लोगों को सिखाना शुरू करिए, उनको नॉलेज दीजिए कि कैसे डॉक्टर्स को कन्विंस करना है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, और जो भी बेसिकली आपको नॉलेज है वो आप दूसरों को सिखाइए। ये काम आप लगातार करिए, 6 महीने साल तक आप इस काम को करिए। हर सोशल नेटवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, यूट्यूब का चैनल शुरू करिए, फेसबुक पे पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाइए, ट्विटर पे बनाइए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, हर सोशल नेटवर्क पे आप प्रोफाइल बनाइए, आप वीडियो बनाइए, रिटर्न फॉर्म में बनाइए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपको नॉलेज है केवल वो आपको शेयर करनी है, और उस काम को आपको 6 महीने साल 2 साल 3 साल तक करना है। एक्चुअली क्या है कि प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है, हर चीज का जो बेसिक होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उनको लगातार करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, उन सब पे वो चीज एप्लीकेबल होती है। क्या होता है कि हमें पता होता है कि प्रोसेस क्या होता है, लेकिन क्या होता है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हम उसको करना नहीं चाहते, या हमें लगता है कि अगर हमने इस पे टाइम दिया तो वो खराब हो जाएगा। बेसिक वरना यही है, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, सोशल नेटवर्क का आप यूज करना चाहते हो, फ्री में आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो आपको वो सब कुछ उनको सिखाना पड़ेगा जो आपको नॉलेज है। क्योंकि अगर आप नहीं सिखाएंगे तो जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं सिखाएंगे तो कोई और नहीं सिखाएगा। अगर कोई और इनिशिएटिव लेगा उस चीज का, आपका कंपटीटर है या कोई दूसरी कंपनी का पर्सन या कोई दूसरी कंपनी अगर ये चीज सिखाएगी, दूसरा पर्सन ये चीज सिखाएगा, तो उसको उसका एडवांटेज मिलेगा, आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो काफी डिस्कशन के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अगर हम इसको लंबा करते हैं, केवल अपनी नॉलेज ही अगर हम शेयर करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर से कोई चीज सीख के उसको सिखाते हैं, जो हमें नॉलेज है, हमें एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको भी केवल शेयर करते हैं, उसको भी हम दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, तो भी हमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है वहां से, और हम ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास एक्सपोर्ट की क्वेरीज भी आ सकती है, और उसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आज के टाइम में हमारे पास एक मेजर एडवांटेज है, एक ऐसी चीज है जो हमसे पहले स्टार्टअप्स के पास नहीं थी, 10 साल या 15 साल पहले जिन्होंने स्टार्टअप किया था उनके पास नहीं थी। आज के टाइम में हमारे पास इंटरनेट है, और इंटरनेट पे अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो मोस्टली चीजें फ्री है, एक लेवल तक हर चीज फ्री होती है, क्योंकि आप जितने भी सोशल नेटवर्क्स का यूज करते हैं उनकी ऑर्गेनिक रीच उन्होंने लिमिटेड जरूर कर दी है, बहुत कम कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ डालते हो तो 20% या 30% 40% 100% जितनों को भी जाते हैं वो तो एटलीस्ट फ्री में ही जाते हैं। एक्चुअली हर चीज आज के टाइम में एक छोटे लेवल तक फ्री है। पहले आप उसका फ्री का प्रयोग करिए, फिर आराम आराम से आप के पास जैसे ही पैसे आते रहेंगे, क्लाइंट आते रहेंगे, तो आप उनके पेड मीडियम्स का भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये परफेक्ट वे रहता है आज के टाइम में डिस्ट्रीब्यूटर्स या क्लाइंट ढूंढने का, अगर आप फ्री में चाहते हो स्टार्टिंग में। तो उम्मीद करेंगे कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।